रांची रोड स्थित होटल ओम पैलेस में सोमवार को जिला के वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा विशाल एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खोगेंद्र सा व संचालन केडी मिश्रा ने की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण कुमार सिन्हा, मंजू जोशी, ब्रजकिशोर गांधी, भीम साव, आनंद सिंह, प्रमोद सिंह, पिंकी देवी, डीएन गिरी मौजूद थे। जिला के वरिष्ठ कांग्रेसियों के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने रामगढ़ जिला के वरिष्ठ कांग्रेसियों की बात सुनने के बाद कहा कि आप जिला में पार्टी के रीढ़ हैं। कहा कि आपके बगैर जिला में पार्टी संगठन अधूरा है, क्योंकि आप लोगों ने जिला में पार्टी के आधार को मजबूत करने का कार्य किया है। श्री सहाय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा सभी को साथ लेकर चलने में यकीन करती है। कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व में समक्ष आपकी मांगों को रखूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप लोगों द्वारा जिला में किए गए कार्यों की वजह से 2029 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां से विजय हुई थी, इसलिए आप सभी निश्चित रहे, आपको पूर्व की तरह ही पार्टी में सम्मान मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की हमने गोला गोली कांड, बड़का गांव की घटना और खूंटी की घटना के बाद जो संघर्ष का रास्ता अपनाया, उसका लाभ 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारी गठबंधन को हुआ और ट्राइबल क्षेत्र की 28 में से 26 सीटों पर हमारी गठबंधन ने विजय का पताका लहराया था। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनहित के कार्य बिल्कुल भी नहीं करती। वह केवल लोगों के बीच नफरत का बीज बोकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य करती है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष से केंद्र की सत्ता में है। इस दौरान देश में बेरोजगारी और महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा सभी परेशान है। उनके बीच केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश है। कहा कि इसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। सुभाष चौक के निकट कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण कुमार सिन्हा का सुभाष चौक के निकट पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सहाय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रामगढ़ से उत्तम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ जो देखने को मिल रहा है, पुराने जो कांग्रेसी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे आगे? नहीं, मेरे ख्याल से एक तरह से पुराना जो लोग यहाँ हारे हम, तो उन सारे चीजों के बावजूद ये सीट हारना नहीं चाहिए। ये ममता देवी का एक कुर्बानी का सीट था, साजिश से उसके मेमोरी को खत्म कराने का सीट था, लेकिन हम हारे अपने मैनेजमेंट के चलते। लोग यहाँ के लोग खिलाफ नहीं थे, वोटर हमारा था, हम पहुँच नहीं पाए। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, सब बातें हुई, हेमंत सोरेन ने बड़ी सीरियसली इस कैंपेन को लिया, लेकिन हम लोग को जो नीचे पहुंचना चाहिए था वो क्या चूल्हा चूल्हा अपना निकाले थे। कहने का मतलब वही गांव टोला से जो रिश्ता जोड़ना चाहिए था उसमें हम पूरी तरह सफल रहे, और उसका मेन कारण था कि संगठन का जो ताकत था उसको हम पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाए। वो तो ठीक है सर, लेकिन आपके आने के पहले एक वक्ता यहाँ पर मंच पर बोल रहे थे, हम नोट किए हुए हैं, वो वक्ता बोल रहे थे कि हम लोग जब अपने व्यथा को लेकर के जो सो प्रदेश अध्यक्ष के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि आप जो है सो अब स्क्रैप हो गए हैं, आप जो है सो आप लोगों की जरूरत हमें नहीं है, अब जो है सो आप
साइड हो जाइए। हम नहीं तो ये चूंकि आप जानते हैं कि ये क्या बोले हैं वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेता इसमें स्क्रैप नहीं होता है, क्योंकि इसमें एग्जिट है ही नहीं है, इसमें हर वर्कर का फाइनली जनगणना बना ही होता। लेकिन अगर उनके व्यथा को अगर प्रदेश अध्यक्ष न सुनेंगे तो उन्हीं के व्यथा के लिए तो हम आए हैं। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो मैं भी प्रदेश में ही हूँ और मैं भी अपने क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी व्यथा होती है और जेन्युइन होती है, तो हम लोग उनको लेकर के हैं। अब उनकी सोच किसका क्या है उस पर हम कोई कॉमेंट नहीं। ठीक है।